हे गाइस, मैं हूं फारूक और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला रेजर 40 के बारे में, जिन्होंने फोल्डेबल फोन की दुनिया में धमाल मचा दिया है और वो फोल्डेबल फोन के मुकाबले सबसे सस्ता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो के अंदर। मोटोरोला रेजर 40 को ऑटोमेटिक बनाने के लिए मोटोरोला ने कुछ स्मार्ट किया है। सबसे पहले इसके प्राइस की बात करें तो ये 50,000 का है। यह प्राइस मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा से 30,000 कम है, जिसकी प्राइस 80,000 है। और यह सैमसंग के गैलेक्सी Z5 फ्लिप फोन से भी 50,000 कम है, जिसकी प्राइस 1 लाख है, जो इसे सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन बनाती है। मोटोरोला रेजर 40 की डिजाइन की बात करें तो यह एक फोल्डेबल फोन है और इसका डिजाइन मोटोरोला के फोल्डेबल फोन के एक्सपेंसिव वर्जन से मैच होता है। मोटोरोला रेजर 40 में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, जो मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा के स्पेस को टक्कर देता है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.9 इंच का पॉलीमर ओलेड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है। इसके साथ ही आपको इसमें 1100 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। इसकी मेन फीचर इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले है, जो 1.5 इंच का ओलेड डिस्प्ले है और यह सस्ता और कम पावर का चिपसेट यूज करता है। और स्टोरेज, डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट और स्पेस को रेजर 40 अल्ट्रा मॉडल से लिया गया है। एक फोल्डेबल फोन के रूप में मोटोरोला रेजर 40 का डिस्प्ले भी इंटरेस्टिंग है। आप इसे 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर सकते हैं और यह यूजर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है। साथ ही अगर मोटोरोला रेजर 40 के कैमरे की बात करें तो इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो अच्छी पिक्चर क्लिक करता है। और आप चाहे तो पूरे 64 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पर शूट कर सकते हैं। और इसमें 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, जो इसके मेन कैमरा के साथ ही आपको यूनिक फोटोग्राफिक एक्सपीरियंस देता है। अब फोल्डेबल फोन की बैटरी भी बेहतर हो रही है और मोटोरोला रेजर 40 ने 42mAh की बैटरी दी जा रही है, जो 10 आवर एंड 48 मिनट तक चलेगी, जो आपके एक दिन तक चलाने के लिए बहुत है। मोटोरोला रेजर 40 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट है, जो परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। साथ ही यह फोन 30W चार्जिंग स्पीड ऑफर करता है, जो बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन एंड्रॉइड 13 पर चलता है और मोटोरोला के टच विजन इंटरफेस के साथ आता है, जिसमें आपको कई यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। हमने मोटोरोला रेजर 40 की फीचर्स, प्राइस, डिजाइन, बैटरी लाइफ एंड सॉफ्टवेयर की टेस्ट की है और इससे आपको यह जानने में मदद मिलती है या फोन आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है और क्या यह आपके बजट में है। अगर आपको इस फोन के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और हम जल्द ही आपके साथ एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।